बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 43 में। लेट्स प्ले जीक्यू क्विज 43। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लेइंग क्विज, 10 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने सभी कैटेगरी से। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में सोचने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, क्योंकि यह एक वीडियो क्विज है तो 10 सेकेंड बाद आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना तो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना चाहते हैं तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें, जिससे कि आप हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 36। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए 29, भारत में कुल 29 राज्य हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिजी या ऑप्शन डी यूक्रेन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी फिजी। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध फिजी देश से है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी चंबल। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन ए चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन बी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन सी मलीगुणा सुरंग या ऑप्शन डी कामशेट सुरंग। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आपको बताना है चेनानी नासरी सुरंग, जिसे वाइफ ऑफ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इसका कार्य वर्ष 2011 में आरंभ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ऑप्शन ए रामगढ़ गुंबद से, ऑप्शन बी पंचमणि पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से या ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा तथा सोन नदियां निकलती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस बैंकिंग प्रकार में बैंक की सभी शाखाएं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं? ऑप्शन ए यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑप्शन बी संकीर्ण बैंकिंग, ऑप्शन सी कोर बैंकिंग या ऑप्शन डी ब्रांच बैंकिंग। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग में बैंक की सभी शाखाएं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपको बता दें कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्क की गई बैंक शाखाओं के समूह द्वारा प्रदान की जाती है, जहां ग्राहक अपने बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं और किसी भी सदस्य शाखा कार्यालय से मूल लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंजिल जलप्रपात यानी एंजिल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी कोरोनी, ऑप्शन सी ओरिनोको, ऑप्शन डी पराना। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन
ऑप्शन बी कोरोनी, एंजल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। आपको बता दें एंजल फॉल्स स्पेनिश सेल्टो एंजल, जिसे सुयुद्ध चुरुन मेरू भी कहा जाता है, जो कि सियुडा बोलीवार के 160 मील यानी 260 किलोमीटर दक्षिण पूर्व कोरोनी की एक सहायक चुरुन नदी पर बोलीवार राज्य दक्षिण पूर्वी वेनेजुएल में गियाना हाईलैंड्स में झरना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी वॉन झील या ऑप्शन डी अरल सागर। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता यानी स्टोरिंग कैपेसिटी के विस्तार की सीमा है, ऑप्शन ए 650 MB से 1 GB तक, ऑप्शन बी 2 GB से 7 GB तक, ऑप्शन सी 25 GB से 50 GB तक या ऑप्शन डी 1 TB से लेकर 2 TB तक। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी 25 GB से 50 GB तक। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा 25 GB से लेकर 50 GB तक है। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि VQ को ZCOSGI के रूप में कोडित किया जाता है तो वाक्य आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा, ऑप्शन ए W, ऑप्शन बी U, ऑप्शन सी T या ऑप्शन डी ए। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हर बार की तरह कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार जीके क्विज 43 के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्विज खेलने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना तो सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद चैनल को, क्योंकि हम इस प्रकार की एक क्विज डेली शाम 7 बजे लाते रहते हैं। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेली इस चैनल को देखते हैं। और जो नए यूजर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भी आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली एक नई क्विज मिल सके। ये हम क्विज शाम 7 बजे डालते हैं। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।